ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो अमेरिका से पेरिस आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने, लेकिन यहाँ वो ऐसे दो अजीब भाई बहन से मिलता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ड्रीमर्स और ये 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैथ्यू नाम के लड़के को देखते है जो अमेरिका से पेरिस अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। मैथ्यू को मूवी देखना काफी पसंद था। एक दिन जब वो मूवी देखने जाता है तब वहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट में प्रोटेस्ट चल रहा था। मैथ्यू को वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वो मैथ्यू से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तब मैथ्यू कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ और यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तब इसाबेल उसे अपने भाई से मिलवाती है जिसका नाम थियो था। वो तीनों बैठकर बातें कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर देती है जिससे बचकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैथ्यू उनसे मिलकर काफी खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है, पर जब से वो इसाबेल से मिला है वो उसके बारे में सोच रहा था। अगली सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है, वो उसे अपने घर खाने पे बुलाता है। मैथ्यू जब उसके घर जाता है तब इसाबेल उसे अपनी मॉम से मिलवाती है। उसकी मॉम मैथ्यू को देखकर काफी खुश थी क्योंकि वो भी एक अमेरिकन थी। इसके बाद मैथ्यू इसाबेल के फादर से मिलता है जो एक राइटर थे। अब लंच करते टाइम इसाबेल के फादर बहुत सारा ज्ञान बांटने लगते है, पर मैथ्यू का ध्यान तो बस एक ही चीज पे था और वो थी इसाबेल। लंच करने के बाद इसाबेल की मॉम मैथ्यू से कहती है कि आज तुम यही रुक जाओ। अगले दिन इसाबेल के मॉम डैड को किसी काम से बाहर जाना था, पर जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वो इस घर में आराम से रह सके। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पर वो दोनों उसे नहीं जाने देते। इसाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद थियो उसे उसका कमरा दिखाता है। रात को मैथ्यू की नींद खुल जाती है। जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसकी नजर उन दोनों भाई बहन पर पड़ती है जो बिना कपड़ों के एक ही बेड पे सोए हुए थे। ये देखकर मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि अब तक वो इसाबेल के सपने देख रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल मैथ्यू को जगाने आती है। वो उस पर चढ़कर उसे किस करती है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर ही पहना था। इसके बाद इसाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के नहा रहा था। ये देखकर वो थियो से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ है, तुम बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे रह सकते हो। उस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए हम लोग ये सब करने में शर्म नहीं रखते। थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे मॉम डैड एक महीने तक घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ घर पे ही रुक जाओ। मैथ्यू कहता है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। तब इसाबेल उसे कहती है कि तुम यहाँ रुक जाओ ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। मैथ्यू इसाबेल पे लट्टू था, वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ ही रहने लगता है। एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक्ट करते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम बताना था और अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। पर यहाँ मैथ्यू ये गेम जीत जाता है। तब वो दोनों उसे कहते हैं कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हमें एक डेयर पूरा करना था। अब इसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं जहाँ वो तीनों रेस लगाते हैं और यही उनका डेयर था। वापस लौटते टाइम बारिश होने लगती है जिससे ये तीनों भीग जाते हैं। यहाँ थियो के फादर का कॉल आता है पर वो उनका कॉल नहीं उठाता। जब ये लोग घर आते हैं तब थियो मैथ्यू को कपड़े देता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। तब मैथ्यू को अलमारी से इसाबेल की एक फोटो मिलती है जिससे वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेता है। जब थियो वापस आता है तब मैथ्यू और थियो साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और इसाबेल फिर से वहीं गेम खेलने लगती है, पर इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी जिसमें थियो हार जाता है। तब इसाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें थियो को एक फोटो के सामने मास्टरबेट करना था। थियो बिना किसी परेशानी के उन दोनों के सामने ही वो काम करने लगता है। इसाबेल के लिए तो ये सब नॉर्मल था पर मैथ्यू की ये सब देखकर फट जाती है। अगले दिन मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी दो सिस्टर है पर उन्होंने मुझे कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा, तुम दोनों ये सब कैसे कर लेते हो। तब थियो से कहता है कि हम दोनों जुड़वा है, जब हम दोनों पैदा हुए तब हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन फिर से ये तीनों गेम खेलते है जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उस मूवी का नाम गेस करके बताना था। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। पहले थियो एक मूवी का एक्ट करता है पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता जिस वजह से मैथ्यू और इसाबेल को एक डेयर पूरा करना होगा। थियो उन्हें सबके सामने एंटीमेट होने का डेयर देता है। अब गेम के मुताबिक इसाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है लेकिन मैथ्यू की फटके हाथ में आ जाती है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है और दोनों भाई बहन मिलकर मैथ्यू के कपड़े उतारने लगते हैं। तब मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट से इसाबेल की एक फोटो मिलती है
जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब मैथ्यू इजाबेल के साथ वो सब करता है जो वो दोनों चाहते थे। यहाँ मैथ्यू को पता चलता है कि इजाबेल अभी भी वर्जिन है। इजाबेल मैथ्यू को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते जरूर है, पर हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये सुन के मैथ्यू उसे कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तो क्या होगा। तब इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों के बाद इजाबेल और थियो के पास जो पैसे थे वो सारे ही खर्च हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो काफी अय्याशी कर रहे थे। इसीलिए इजाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, जिसे उनमें से कोई भी नहीं खाता। अब पैसे ना होने की वजह से उन्हें काम भी करना पड़ता है। एक दिन मैथ्यू और थियो एक ही टब में नहा रहे थे, तब थियो उसे कहता है कि तुम अमेरिकन लोग बहुत बुरे हो क्योंकि तुम वियतनाम में वॉर लड़ रहे हो। तब मैथ्यू उसे कहता है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तभी इजाबेल वहाँ आती है और ये तीनों ही नहाने लगते है। उसी बीच इजाबेल मैथ्यू से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। ये बोलकर ये दोनों मैथ्यू के प्राइवेट बालों को काटने लगते है, जिससे मैथ्यू काफी गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानती हो। मैथ्यू के ऐसे कहने पर इजाबेल उसके साथ डेट पे जाती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। जब मैथ्यू और इजाबेल घर आते है तब इजाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देखकर इजाबेल को काफी जेलस फील होता है और वो रोने लगती है। इसके बाद थियो और मैथ्यू साथ में वाइन पीते है और मैथ्यू पेरिस में चल रेवोल्यूशन के बारे में उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि यहाँ घर बैठे बैठे बोलने से कुछ नहीं होता, जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि देश की हालत कैसी है। इसी बीच इजाबेल वहाँ आके उन दोनों को हॉल में लगे टेंट में ले जाती है, जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। अब ये तीनों बिना कपड़ों के ऐसे ही सो जाते है। जब सुबह उसके मॉम डैड घर पे आते है तब वो उन लोगों को बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते है, जिसे देख कर उनकी आँखें फटी रह जाती है। लेकिन वो उन्हें उठाए बिना उनके लिए एक चेक छोड़ के चले जाते है। जब इजाबेल उठती है तब उसे वही चेक मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता चल गया है। वो सुसाइड करने का सोचती है और गैस पाइप लेके सो जाती है, लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, जिससे उनका एक पत्थर खिड़की से घर में आ जाता है, जिससे ये दोनों भी जाग जाते हैं और ये तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते है। लेकिन थियो सबसे आगे जाके रास्ता रोक रहे पुलिस वाले पे पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे काफी समझाता है पर वो कुछ भी नहीं सुनता। इजाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते है। अब मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसीलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सभी लोगों पे लाठीचार्ज कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।